हेलो दोस्तों, मैं केडी आपके अपने चैनल केडी टेक स्टफ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अपने गूगल एडसेंस अकाउंट के एड्रेस वेरिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको अपने गूगल एडसेंस अकाउंट वेरिफिकेशन की जो पिन होती है वो अगर आपको अभी तक नहीं मिली है, तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊँगा कि कैसे हम अपने एड्रेस को वेरीफाई कर सकते हैं। और दोस्तों, हम इस तरीके से अपना एड्रेस को वेरीफाई तभी कर सकते हैं जब हमारे को 3 अटैम्प्ट मिलते हैं पिन जनरेट करने के। अगर तीनों बार आपके पास अगर आपको पिन नहीं मिलता है तो आपके पास अपने आप ही नीचे एक ऑप्शन आता है, आपको एक फॉर्म फिल करना होगा और उसके साथ अपना एक आईडी प्रूफ लगाना होगा, तो आपका जो गूगल एडसेंस का अकाउंट है ये विदिन 24 आवर्स में आपका जो एड्रेस वेरीफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि कैसे गूगल एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले आपको अपने एडसेंस सेटिंग में जाना है। रेड कलर की लाइन में एक मैसेज मिल रहा है, सिंपली योर पेमेंट आर करेंटली होल्ड बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाई योर एड्रेस। तो एक्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों हम। एक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा जिसमें आपका एड्रेस होगा, आपका नेम होगा और जो लास्ट आपकी जो पिन जनरेट हुई है उसकी डेट होगी। और नीचे आप जैसे कि देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, योर पिन विल बी सेंड बाय पोस्ट 3 to 5 डे आफ्टर द डेट लिस्टेड अबव, मे टेक 2-4 वीक टू अराइव डिपेंडिंग ऑन द पोस्टल सर्विस। तो दोस्तों, ये जो आपको पिन नहीं मिल पाती है, ये कभी कभी हो जाता है आपके, जैसे पोस्टमैन जो है वो उसको खो देते हैं या किसी तरीके से कोई और भी रीज़न हो सकता है, तो आपको नहीं मिल पाती है किसी भी तरीके से। अगर 3 चांस मिलते हैं, तीनों बार में अगर आपको नहीं मिलती है तो फिर आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी है, एक ज़रूरी चीज़ है, ये भी आप नोट कीजिए कि ये जो लिखा हुआ है येलो कलर की लाइन में, इसका मतलब है कि अगर आप 3 टाइम अगर अपनी पिन गलत डाल देंगे तो आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाएगा। तो आप दोस्तों, अगर आपके पास अगर पिन आ गई है और आप पिन डाल रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ बहुत ध्यान से डालिएगा। आप बहुत ही ऐसा कोई रिस्क मत लीजिएगा जिससे कि आपका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो जाए। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि जो हमारे को फॉर्म करना था उसके बारे में। तो जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं, इफ़ यू डोंट रिसीव योर पिन विद इन 4 वीक ऑफ दिस डेट प्लीज़ कम्प्लीट दिस फॉर्म। तो दिस फॉर्म जो है, हम दिस फॉर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये न्यू टैब में एक ऐसा फॉर्म खुलेगा जिसको हमें फिल करना है और सबमिट करना है। तो चलिए बताते हैं इसके अंदर क्या क्या फिल करना है। सबसे पहले आपका नेम, जिस नाम से आपका एडसेंस अकाउंट है, और नीचे आपका एडसेंस पब्लिशर आईडी। तो दोस्तों, जिसको नहीं पता है एडसेंस पब्लिशर आईडी कहाँ पे है, तो मैं बताता हूँ एडसेंस पब्लिशर आईडी आप कैसे ले सकते हैं। आपको अपने गूगल एडसेंस में जाना है और सेटिंग पर जाकर अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है। वहाँ पे आपको ऊपर ही पब्लिशर आईडी मिल जाएगा, वहाँ से कॉपी कर लीजिए। और सिंपली पेस्ट कर दीजिए। और नीचे दोस्तों ये देखिए, ये अब आपसे नीचे एक अटैचमेंट मांग रहा है, मतलब कोई आपका आइडेंटिटी प्रूफ मांग रहा है। आइडेंटिटी प्रूफ के का मतलब, जैसे आप अपना कोई भी गवर्नमेंट इशू आईडी प्रूफ दे सकते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी दे सकते हैं। एक बढ़िया सी कॉपी, साफ़ सुथरी सी स्कैन की हुई, आप इसमें लगा के और इसको सबमिट कर सकते हैं। मैं आधार कार्ड का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरा आधार कार्ड की जो फाइल है वो अटैच हो चुकी है और हमें सबमिट पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देते हैं। तो हमारा फॉर्म अब सबमिट हो चुका है और ये जो हमारे को मैसेज शो हो रहा है कि विदिन 24 आवर जो अकाउंट है वो वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप ये बहुत ही सिंपल तरीका है, ये सिंपल तरीके से आप अपना एडसेंस अकाउंट वेरीफाई करवा सकते हैं और 24 आवर के बाद आप अपना एडसेंस अकाउंट पे जाके फिर से दे सकते हैं। जो आपको वेरीफाई एड्रेस का जो ऊपर मैसेज आ रहा था वो नहीं दिखेगा, इसका मतलब आपका एडसेंस अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो चुका है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमारे को बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आप इसी तरीके की और टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।